जो भी हो, whoever so. हेलो एवरीवन, आज नंबर ऑफ बच्चे कम रहेंगे क्योंकि कल हिंदी का एग्ज़ाम है आई थिंक. तो हो सकता है कि बहुत लोग हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दे आर नॉट हियर. तो जब भी वो आते हैं वो रिकॉर्डेड क्लास 1.5x पे देख के ट्राई टू कवर अप, ताकि जब हम परसों आएँ तो आपका जो फ्लो है वो बना रहे और चीज़ें आपकी छूटे नहीं, स्किप नहीं हो. तो आप जिनका भी छूटता जाएगा वो नेक्स्ट सेशन इस रिकॉर्डेड को देख लेंगे पहले ही आने से पहले, और नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे ताकि कोई भी चीज़ रह नहीं जाए. ओके ओके, मैं स्टार्ट करते हैं. ओके अभी ओके
ओके इताची, ओके सब लोग कंफर्म करें प्लीज, सभी को आवाज आ रही है अभी? ओके फाइन, तो जिन आगे का जो भी मैंने बोला था, मे बी इट वॉज एंट ऑडिबल टू एवरीवन, तो मैं अभी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आज शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे क्योंकि कल हिंदी का एग्जाम है, बट कल हमने सेल और सेल डिवीजन चैप्टर किया था, सेल चैप्टर, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। अब हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे एंड जिनका भी आज, क्योंकि कल हिंदी का एग्जाम है, मे बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज कम रहेंगे, तो जो भी जिनका भी आज का छूट जाता है, दे कैन सी द रिकॉर्डेड वीडियो टुमारो विद ऑन 1.5x स्पीड, ताकि जब मैं कल नए चैप्टर के साथ आऊं तो आपका कोई भी चीज मिस नहीं हो। एकदम 99.9% सेम है, मतलब इवन वी आर वेरी सिमिलर टू अ व्हेल, वी आर वेरी सिमिलर टू अ डॉग, वी आर जेनेटिक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड जीन। जीन मीन्स हमारा हेरिडिटरी मटीरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसी भी चीज को, किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। मतलब If A is your father, B is your mother, and their cells forms a single cell structured zygote, जिससे कि एक नया लाइफ फॉर्म, मतलब हम, मी या यू बनने वाले हैं, ये जो सिंगल सेल है, ये इसके जेनेटिक मटेरियल और इसके जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके जीन और इसके जीन के कॉम्बिनेशन से, मतलब अगर फादर का जीन ये है और मदर का जीन ये है, तो इसके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो नया जीन होगा, इससे हमारा फॉर्मेशन होता जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म इन दोनों के कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, एक सेल में, ह्यूमन बॉडी के एक, हर सेल में एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हाईली कंडेंस फॉर्म में, हाईली कंडेंस, और ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को, मतलब डीएनए से डील करता है, और यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर्स लेके जाता है। दूसरी बात, एक क्रोमोसोम दो स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ। ओके, नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक चैप्टर, क्योंकि वी नो दैट वी हैव अ टाइम रेस्ट्रेंट, तो हम लोग सारे क्वेश्चन, सारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन में नहीं जा सकते। तो अभी द बेस्ट पॉसिबल वे टू कवर एवरीथिंग इज दीज, मैं हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी जो जो भी वर्ड है, ताकि आपको अगर वहां आंसर्स में भी इलैबोरेट कर, फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Is everyone there? Okay, the answer is C, it's genetics. The answer is C, it's genetics. Okay, who is considered as the father of genetics? The very common question, the very common question, who is known as father of genetics? बेटा आई नो कल हिंदी का एग्जाम है, बट कल और परसों मिला के आप सारे क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाओगे, सारे चैप्टर्स। तो जो आज देख रहे हैं, प्लीज गो अहेड विद दिस, जो नहीं देख पा रहे हैं, दे कैन वॉच इट टुमारो इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, ताकि उनका कोई भी चीज छूटे नहीं। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रिगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रिगर जॉन मेंडल, ग्रिगर मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। द थर्ड क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज फर्स्ट इल्यूसिएटेड बाय, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज फर्स्ट इल्यूसिडिएटेड बाय, किसने पहली बार लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था? द वन हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनहेरिट वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। हु गेव दिस थ्योरी? Who is writing lag?
हु इज राइटिंग लैग? अबरार अहमद. ओके द आंसर इज ग्रिगर जॉन मेंडल. द सेम आंसर. द वन हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द लॉ गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज फर्स्ट elucidated by Grigor John Mendel. Okay, the next question is, two modern applications in the field of genetics primarily includes. The answer is D, genetic engineering and genetic counseling. Question number 4, two modern applications जहां हम genetics का use primarily करते हैं, it's genetic engineering and genetic counseling. The next question is, which one of the following is considered as the first gene product? Which one of the following is considered as the first gene product? पहली बार किस जीन प्रोडक्ट की खोज हुई थी? ओके द आंसर इज इंसुलिन. वेरी गुड पीयूष. द आंसर इज इंसुलिन. द क्वेश्चन नंबर 6. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ. अपनी तरह का एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन. ओके द आंसर इज सी, रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ? लैग हो रहा है. It's genetically modified organism. The option number B, it's genetically modified organism. Okay, the next question is, disease such as hemophilia. Come on. Okay, Rishabh, it's out of syllabus for you, but it's productive for some people, जिनके यहाँ ये आ रहा है. So kindly everyone requested here कि जिनके सिलेबस में नहीं है, you can skip these chapters. जो आपके सिलेबस में है, you can go with that. Next question is, disease such as hemophilia, thalassemia and sickle cell anemia. देखो ये तीन डिजीज दी हुई हैं, ये इनकी कैटेगरी कौन से डिजीज में आती है? इज इट अ फिजिकल प्रॉब्लम, इज इट अ मेंटल इलनेस, इज इट अ जेनेटिक डिजीज और ऑल ऑफ द अबव? डिजीज सच एज हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? ओके वेरी गुड, इट्स जेनेटिक डिजीज. वेरी गुड, पीपल आर कोऑपरेटिंग हियर, पीपल आर वेरी मच एक्टिव हियर. कीप कमेंटिंग विद योर आंसर्स. यू कैन गो थ्रू विद योर होल चैप्टर विद इन 1 आवर वेरी इजली. Okay, next question is, the method of transmitting certain genetically constructed features from parent to children is known as. ऐसे features जो genetics से deal करते हों, वो parent से children में जाने को के process को क्या कहते हैं, उस method को क्या कहते हैं? Option number वे ancestry, B is parental characteristic, C is succession and D is heredity. 9. Come on. The option is heredity. The term variation, question number 10. The term variation literally means, variation मतलब बदलाव. अब वो बदलाव या वो change. The variation means exhibiting difference in terms of appearance, exhibiting similarity,
एग्जिबिटिंग बोथ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, नन ऑफ द अबव। यस ऋषभ, दिस इज आईसीएसई चैनल। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म वेरिएशंस डील विद। द टर्म वेरिएशन मीन्स चेंजेस, क्या डील, किससे डील करते हैं? डिफरेंस इन टर्म ऑफ अपीयरेंस, एग्जिबिटिंग सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस, बोथ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, या नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर ए, एग्जिबिटिंग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। डिफरेंस, द टर्म वेरिएशन डील्स विद डिफरेंस, सो द टर्म वेरिएशन डील्स विद डिफरेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म कैरेक्टर लिटरली मीन्स। द टर्म कैरेक्टर लिटरली मीन्स इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर, बोथ लर्नड एंड इनहेरिटेड। देखो इनहेरिट का मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम लेते हैं किससे, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक, और बोथ लर्नड एंड इनहेरिटेड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हम लर्न करते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा पढ़ना लिखना सीख के पैदा नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट आईक्यू। तो हम आईक्यू अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट कि योर पेरेंट लर्न अ बुक ऑफ साइंस पूरी और वो बच्चे में आ जाएगी। नो, इट्स नॉट अ लर्नड कैरेक्टर। और 11, कम ऑन हरे अप, 11, द टर्म कैरेक्टर लिटरली मीन्स ऑप्शन नंबर बी, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर दैट आर सोली बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स। ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो कि जेनेटिक्स से डील करता है उसे क्या कहते हैं? कैरेक्टर, ट्रेट, एसेंडेंट्स और प्रेडिसेसर। 12, क्वेश्चन नंबर 12, एनी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दैट आर सोली बेस्ड ऑन अ ग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स। कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं जेनेटिक्स में, हम उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर किया है कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, वेरी गुड, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, वेरी गुड, द आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीसीज इज दैट। हर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है हर इंडिविजुअल स्पीसी की, हर इंडिविजुअल स्पीसीज की कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या है? द क्रोमोजोम नंबर रिमेन कॉन्स्टेंट, द क्रोमोजोम नंबर एक्सटीड्स, द क्रोमोजोम नंबर अल्टर्स, या क्रोमोजोम नंबर डिमिनिशेस। क्रोमोजोम के नंबर में क्या चेंज आता है? इफ अ पेरेंट इज गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, क्रोमोजोम नंबर में क्या डिफरेंस आएगा? इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होता। पहली बात जान लो कि 46, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। इट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर और 46 क्रोमोजोम। दिस 46 क्रोमोजोम हर सेल, हर इंडिविजुअल में सेम रहता है, ह्यूमन में, हर ह्यूमन में, हर इंडिविजुअल में, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम ही पाए जाते हैं। सो द क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम पजेस्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग, कम ऑन, टोटल नंबर पूछा गया है, पेयर नहीं। रीड वेरी केयरफुली क्वेश्चन नंबर 14, हमेशा वहां एग्जाम में देख लेना नंबर पूछा है या पेयर पूछा है। इफ दे आर आस्किंग फॉर द नंबर, इट्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर अ पेयर, तो पेयर का मतलब होता है डबल। तो 46 का हाफ करोगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इट्स आंसर इज 46, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दिस इज द फैक्ट ड्यू टू, क्यों इवन होता है? यहां जब हमने 46 पढ़ा है तो एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इवन क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्रोमोजोम 46 है वो इवन इसलिए है क्योंकि ये पेयर में पाए जाते हैं, बिकॉज दे अकर इन पेयर। द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 15, द आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे अकर इन पेयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोमोजोम्स आर मेनली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, the two types of chromosomes are, अब देखो ये जो 23 pair of chromosome है ये दो part में divide होते हैं, एक 22 pair और एक last pair। ये जो 22 pair होते हैं these are known as
दीज आर नोन एज These are known as. Okay, these 22 pairs of chromosome are known as autosome, and this one pair of chromosome is known as sex chromosome. So the answer is option number A, sex chromosome and autosomes. Infinity motivation. Let it be the people who are useless or the people who are. अनप्रोडक्टिव आर हियर टू कमेंट. जो भी यहाँ लर्न करने हैं प्लीज कीप लर्निंग एंड दोज हु आर क्रिएटिंग न्यूसेंस लेट इट बी. यू डोंट नीड टू बॉदर एट ऑल. जो पढ़ रहे हैं लेट इट बी वो पढ़े एंड जो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने आए हैं दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे विश. हम बॉदर नहीं होंगे. डू नॉट चैनलाइज योर एनर्जी इन नेगेटिव सेंस. लेट इट बी. जस्ट चिल. Nobody needs to fight here. या फिर you have to reply. Let it be. Be cool. Just keep learning. We are here to learn. Okay. Our next question is the type of chromosome that plays an essential role in asserting basic physical characteristics. ऐसे chromosomes जो basic physical characteristics को transfer करते हैं उन्हें क्या कहते हैं. ऐसे क्रोमोसोम जो बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं दे आर नोन एज. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. दे आर नोन एज. कम ऑन हरिया. ऐसे क्रोमोसोम जो एसेंशियल बेसिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं दे आर नोन एज ए. वेरी गुड. द आंसर इज ए, ऑटोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑटोसोम डू ह्यूमन पोजेस. हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं. अभी मैंने बताया था 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं जिसमें 23 पेयर होते हैं. इस 23 पेयर में 22 आर ऑटोसोम्स एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. सो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18. द आंसर इज सी. वी हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम. क्या करते हैं ये बेसिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एंड दिस वन क्रोमोसोम इज एक्स वाई और एक्स एक्स जो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर. द अदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर. कम ऑन हरिया. द अदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर. ओके. 22 पेयर्स बेसिक जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जी वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दीज आर नोन एज एलोसोम्स. सो दीज 22 आर ऑटोसोम्स एंड दीज दिस वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज नोन एज एलोसोम. सो ऑन क्वेश्चन नंबर 19 द ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डू ह्यूमन हैव. हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डू ह्यूमन हैव. One pair. The answer is one pair. Next, question number 21. The combination of XX chromosome tends to make. Okay, ये जो वन क्रोमोजोम है ये एक्स एक्स होगा तो मेल होगा या फीमेल होगा. एक्स वाई होगा तो इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा. सो अगर एक्स एक्स है तो द इंडिविजुअल विल बी फीमेल एंड इफ इट इज एक्स वाई द इंडिविजुअल विल बी मेल. क्वेश्चन नंबर 21. द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम टेंड्स टू मेक अ फीमेल. एक्स एक्स डील्स विद फीमेल. एक्स वाई डील्स विद मेल. द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम टेंड्स टू मेक. द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम टेंड्स टू मेक इट्स मेल. It's the option B, male. Okay, question number 23. Chromosomes are also considered as. Chromosomes are also considered as. Question number 23. Chromosomes are also considered as. क्या काम होता है इनका. कलर ब्लाइंडनेस देना या एक्सीडेंट करना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करना या जीन्स को कैरी करना. बट ऑब्वियसली पूरी हेरिडिटरी मटेरियल ही क्रोमोसोम है. जेनेटिक्स चैप्टर ही पूरा क्रोमोसोम पे है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैरियर ऑफ जीन्स. क्वेश्चन नंबर 24. विच एनिमल पजेस यूनिफॉर्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पाइट ऑफ डिपिक्टिंग सेवरल डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स. कौन से एनिमल्स
सिमिलर क्रोमोजोम से डील करते हैं, जो कि उन्हें देखने में लगता है कि दे आर डिफरेंट, उनके सारे यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोजोम के डिफरेंट है, फिर भी उनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होने के बाद भी वो जो है यूनिफॉर्म क्रोमोजोम डील करते हैं। कौन से दो एनिमल्स? क्वेश्चन नंबर 24, ट्राई ट्राई ट्राई, क्वेश्चन नंबर 24, द ऑप्शन इज सी लायन एंड कैट, द ऑप्शन इज सी लायन एंड कैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच ईयर द टर्म जीन वॉज कॉइंड, ऑन विच ईयर द टर्म जीन वॉज कॉइंड, इसे रट लो, दिस इज समथिंग टू मग अप, दिस इज समथिंग टू मग अप। ओके, द ऑप्शन नंबर डी 1909। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉइनिंग द टर्म जीन, हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कॉइनिंग द टर्म जीन। क्वेश्चन नंबर 26, इट्स विलियम जॉनसन, विलियम जॉनसन, विलहम जॉनसन, विलहम जॉनसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, किसने जीन टर्म दिया था? इट्स विलियम जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नंबर 7, द नंबर ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन ह्यूमन एज इंडिकेटेड बाय रीसेंट फाइंडिंग, रीसेंट फाइंडिंग के हिसाब से ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ जीन होते हैं, रीसेंट फाइंडिंग के हिसाब से ह्यूमन के अंदर कितने जीन होते हैं? इट्स 19,000, द आंसर इज 19,000, द आंसर इज 19,000। क्वेश्चन नंबर 28, जीनोम मेनली सिग्निफाइज, जीनोम वर्ड का मतलब क्या है? जीनोम मेनली सिग्निफाइज, जीनोम मेनली सिग्निफाइज, द वर्ड जीन और जीनोम मेनली सिग्निफाइज पार्शियल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, नलीफाइड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, या नन ऑफ द अबव। ओके, कम ऑन, जीनोम मेनली सिग्निफाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इट्स फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, इट्स फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। बेटा हिंदी का एग्जाम है, आई नो आदित्य, बट वी हैव टू डू बायोलॉजी, तो अगर जिनका छूट जाता है वो रिकॉर्डेड वीडियो 1.5 पे करके कल देख लेंगे, सो ताकि उनका फ्लो नहीं बिगड़े। ओके, वी विल नॉट डू अ मेजर पोर्शन टुडे, कल वापस से मैं लाइव आऊंगी और हम मेजर पोर्शन करेंगे, बट टू मेंटेन द फ्लो, और ये जो छोटे थोड़े कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ, ताकि कल वी विल गो विद द फ्लो। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोरिलेटेड ट्रेट्स एलील्स कैन बी पोर्ट्रेड एज, एलील्स क्या होते हैं, एलील्स का प्रोटेशन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोरिलेटेड ट्रेट्स एलील्स कैन बी पोर्ट्रेड एज, एलील्स के दो डिफरेंट टाइप्स कैसे पोर्ट्रे होते हैं? इट्स डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इट्स डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इट्स डोमिनेंट एंड रेसेसिव। द आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एलील्स जो होते हैं वो ट्रेट्स को ले जाते हैं, अब वो ट्रेट्स डोमिनेंट हैं या रेसेसिव हैं, दीज आर डिसाइडेड बाय द एलील्स। अगर डोमिनेंट हैं तो वो कैरेक्टर उभर के आएगा, अगर वो डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, तो वो कैरेक्टर दब जाएगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सेट ऑफ जीन्स आर कॉल्ड, द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सेट ऑफ जीन्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म का जीन्स से डील करता है? कम ऑन हरी अब, क्वेश्चन नंबर 30, द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन सेट ऑफ जीन्स आर कॉल्ड जीनोटाइप, आर कॉल्ड एज जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 31, कलर ब्लाइंडनेस इज द मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी, कलर ब्लाइंडनेस कौन से टाइप की डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस कौन से कैटेगरी की डिजीज है? इज इट अ लिवर डिजीज, इट इज अ बोन डिजीज, इज इट अ स्किन डिजीज, और इज इट अ इनहेरिटेड डिजीज? इट इज अ इनहेरिटेड डिजीज, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसफिशियंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
इनसफिशियंट ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? क्वेश्चन नंबर 32। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर जो इनसफिशियंट ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता हो, इट्स हीमोफीलिया। द टर्म हीमो डील्स विद ब्लड। इट्स हीमोफीलिया, जहां इनसफिशियंट ब्लड क्लॉटिंग होगी, मतलब चोट लगने के बाद आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड होगा, दिस इज नोन एज हीमोफीलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। द प्लांट दैट मेंडल सेलेक्टेड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट, ग्रिगर जॉन मेंडल। ओके डोमिनेटर, मैं सिर्फ आज यही चैप्टर कराऊंगी, दिस जेनेटिक्स, उसके बाद क्योंकि कल हिंदी का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे एंशियस हैं कि मैम कल हिंदी है, तो मैं आज जेनेटिक्स चैप्टर करा के, जिनका जेनेटिक्स रह जाएगा दे कैन गो विद द रिकॉर्डेड वीडियोस टुडे, टुमारो जब आप लोग हिंदी का एग्जाम देके आएंगे देन वील कंटिन्यू विद अदर चैप्टर्स दैट हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इन योर एग्जाम। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब हर चैप्टर का कौन सा पार्ट किस पोर्शन के लिए, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर डायग्राम्स, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स, मैं कल ये सब कुछ बता दूंगी। ओके ओके, द क्वेश्चन नंबर 33, बस अभी वी विल गो विथ 40 क्वेश्चन टूडे ऑफ जेनेटिक्स एंड वील वाइंड अप विद जेनेटिक्स टूडे ओनली, एंड कल हम वापस से आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे आफ्टर यू विल बी डन विद योर हिंदी का एग्जाम। ओके, द प्लांट दैट मेंडल सेलेक्टेड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट, इट्स गार्डन पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 जनरेशन का जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है? कमऑन हरी अप, क्वेश्चन नंबर 34, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। F2 जनरेशन का जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है? इट्स वन इज टू टू इज टू वन। जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ F1 नहीं पूछा है, F2 पूछा है। F2 का है 1:2:1, 1:2:1, इसे याद कर लो। इट्स F2 जनरेशन, बी श्योर F1 पूछ रहा है या F2 पूछ रहा है? F1 पूछेगा, इट कुड बी शायद 3:1, बट इफ यू गो विद F2 जनरेशन, इट विल बी 1:2:1। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटिपिक हाइब्रिड रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? डाई हाइब्रिड रेशियो पूछा है, डाई हाइब्रिड, ऊपर मोनोहाइब्रिड पूछा था, अभी डाई हाइब्रिड रेशियो पूछ रहा है। डाइहाइब्रिड रेशियो, द आंसर इज 9:3:1। प्लीज ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9:3:1, डाइहाइब्रिड का 9:3:1, मोनोहाइब्रिड का 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विच कंस्टिट्यूट्स मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सा ऐसा लॉ है जो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से डील करता है? मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से कौन से लॉज डील करते हैं? इज इट वन लॉ, इज इट ऑल ऑफ द अबव, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? मेंडल के इनहेरिटेंस में कौन कौन से लॉज हैं? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मेंडल ने इन तीनों को मिला के सारे एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस में किया है, एंड द ऑप्शन इज all of the above. Law of segregation is also known as, very important question. Law of purity of gametes. The answer is A, the law of purity of gametes. Please mug it up. Next question, hybridization plays an important role in the creation of. Hybridization se kya banta hai? अगर हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनने वाला जो नया ऑफ स्प्रिंग होगा वो एक नया टाइप का प्लांट होगा,
जीन होगा या सेल होगा, बट ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन से एक न्यू टाइप का प्लांट बनेगा. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 38. ऑप्शन नंबर ए न्यू टाइप ऑफ प्लांट. मतलब इफ यू गो विद अ रेड कलर का फ्लावर का क्रॉस कराओगे व्हाइट कलर के फ्लावर से, तो जो नया प्लांट में फ्लावर आएगा डैट विल बी ऑफ पिंक कलर. ये मेंडल ने अपने लॉज में प्रूव किया है. दिस मीन्स दैट हाइब्रिडाइजेशन से दो डिफरेंट कैरेक्टर को क्रॉस कराने से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है इट इज अ न्यू टाइप ऑफ प्लांट. क्वेश्चन नंबर 39, सिकल सेल एनीमिया इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया. एनीमिया वर्ड किस से डील करता है? इज इट अ बोन डिजीज, स्किन डिजीज, ब्लड डिजीज और अ लंग डिजीज? इज इट अ बोन डिजीज, ब्लड डिजीज, स्किन डिजीज और अ लंग डिजीज? देवीना टुमारो आई टेल यू कल के लाइव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ बता दूंगी. डू नॉट वरी अबाउट दैट. कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें लॉन्ग आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर्स, आई विल टेल यू इन डिस्क्रिप्शन टुमारो. ओके ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ ब्लड डिजीज. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द टूडे, लास्ट क्वेश्चन, Which one of the following is responsible for altering the gene structure? Gene structure को कौन alter करता है? Gene structure को कौन alter करता है? Is it radionuclide, radioactivity, radiobiology or none of the above? किससे gene alter हो जाते हैं? Genetic structure change हो जाता है? क्या करने से जेनेटिक स्ट्रक्चर? यस वी नो, टुमारो आई विल बी लाइव अगेन विद ऑल अदर चैप्टर्स जो हमारे बच रहे हैं. कल थोड़ा ज्यादा मेजर पोर्शन कवर कराऊंगी क्योंकि आज कल हिंदी का एग्जाम है इसलिए हमने आज सिर्फ एक चैप्टर लिया है. टुमारो आई विल बी कमिंग विद मेजर पोर्शंस. ओके ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरिंग जीन स्ट्रक्चर. अल्टर का मतलब होता है चेंज करना. इनमें से किस चीज से जीन स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा? इट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन. इट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन. इट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशन जिससे जीन स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएंगे. ये 40 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज के जो हमारे जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट थे. ओके सो आज के लिए वील वाइंड अप हियर ओनली विद ओनली 40 क्वेश्चंस ऑफ द जेनेटिक्स. कल हम वापस से रीकनेक्ट होंगे क्योंकि हमें पता है कि कल हमारा हिंदी का एग्जाम है. सो पीपल आर अनेबल टू फोकस अभी आज हिंदी की वजह से यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, कल जितने मेजर चैप्टर्स हैं उसके साथ वापस आएंगे लाइव में विद दीज मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस. एंड मोर ओवर ये ध्यान रखना है कि कल मैं ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर का कौन सा पार्ट एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है विद डायग्राम्स. कौन से डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं जिनके प्रोबेबिलिटी 90-100% है कि वो आ सकते हैं. सो वील ट्राई टू कवर मैक्सिमम पोर्शन टुमारो. ओके सो गुड लक फॉर योर हिंदी का एग्जाम. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. बी एट लाइट मोड. जो भी है बी एट लाइट मोड. गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम. ओके ओके बाय.